हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के सामने एमएस सेमेस्टर थर्ड के पेपर CC9 जिसका नाम है पॉलिटिकल थॉट, इस पेपर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इस टॉपिक का नाम है अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर और उनके विचार, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे अंबेडकर एंड हिट्स आइडियाज। ठीक है, तो चलिए बिना किसी समय गवाए हम जल्द से अपने टॉपिक पर आते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 को हुआ था। ये आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक थे जिन्हें दलितों का मसीहा तथा भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में सदैव स्मरण किया जाता है। उन्होंने हिंदुओं में अछूत या अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों को संगठित किया, शासन के अंगों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष किया तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा भी दिया। अंबेडकर स्वयं अछूत जाति में जन्म लेकर कठोर परिश्रम द्वारा संघर्ष एवं आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा अर्जित की। उन्होंने बड़ी ही विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जो उपलब्धियां हासिल की वह इतिहास के पृष्ठों में सदैव के लिए अंकित है। भीमराव अंबेडकर के मन में जिन दार्शनिक विचारकों का गहरा प्रभाव पड़ा था उसमें महात्मा बुद्ध, महात्मा फुले और जॉन डुई जैसे विचारक महत्वपूर्ण थे। अब हम अंबेडकर के कार्यों को अलग अलग शीर्षकों से विभाजित करके उसको बेहतर ढंग से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सब टॉपिक होगा वो है अछूतों का उद्धार, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में इमैंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, इमैंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल भी कहते हैं। अंबेडकर ने अपनी चर्चित कृति इनहेलिनेशन ऑफ कास्ट, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, के अंतर्गत हिंदू वर्ण व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद छुआछूत और अस्पृश्यता की प्रथा में निहित अन्याय पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह अनुभव किया कि उच्च जातियों के कुछ संत महात्मा और समाज सुधारक दलित वर्गों के प्रति सहानुभूति तो रखते थे और उनकी समस्या पर बल भी देते थे, परंतु वे इस दिशा में कोई ठोस योगदान नहीं कर पाए थे। अतः अंबेडकर ने यह विचार रखा कि तथाकथित अछूत ही अछूतों के नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्गों के आत्म सुधार में विश्वास करते थे, अतः इन्होंने जातियों को मदिरापान और मांस भक्षण जैसी आदतें छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि ये आदतें
उनकी स्थिति से जुड़े हुए कलंक का मूल स्रोत थी। इन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान देने और आत्मसम्मानपूर्ण व्यवहार करने का रास्ता दिखाया। उन्होंने दलितों की हीन भावना से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया। उनका विश्वास था कि इनमें योग्यता की कोई कमी नहीं है, ये लोग सामान्य और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके विशेषतः शहरों में जाकर नए व्यवसाय अपना सकते हैं, जिससे इनकी परंपरागत स्थिति के साथ जुड़ा हुआ पूर्वाग्रह अपने आप धीमा पड़ जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने शासन की संस्थाओं में दलित वर्गों के उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर बल देते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि इससे दलित वर्गों को कानूनी तरीके से निवारण तंत्र का अवसर मिलेगा। उन्होंने दलित जातियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालयों का सहारा लेने की भी प्रेरणा दी। उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर सवर्ण हिंदुओं और निम्न जातियों के बीच समानता का आंदोलन चलाया, जिसमें मिलजुल कर पूजा एवं पर्व मनाने और सम्मिलित प्रतिभोज में भाग लेने पर फल दिया गया। अंबेडकर के अनुसार अस्पृश्यता की जड़ हिंदू वर्ण में निहित है, अतः इस कुप्रथा को मिटाने के लिए वर्ण व्यवस्था का अंत जरूरी है। हिंदू समाज का सुधार बाल विवाह के उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन जैसे सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्यों तक सीमित रखना चाहिए, परंतु वर्ण व्यवस्था में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, उसे समूल नष्ट करना ही उपयुक्त माना। अंबेडकर ने यह मत रखा कि दलित जातियों का उद्भव तब होगा जब उनके अधिकारों की रक्षा और शिकायतों के निवारण की कानूनी व्यवस्था कर दी जाएगी और इसके साथ राजनीतिक सत्ता भी उनके हाथों में आ जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने अछूतों के लिए ये मार्ग उपयुक्त मार्ग सुझाया। अब लोकतंत्र के लिए उनकी क्या विचार थे उसको हम लोग देखेंगे। अंबेडकर ने लोकतंत्र की प्रचलित परिभाषाओं का विश्लेषण करने के बाद यह विचार रखा कि शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्तपात के बिना जनसाधारण के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जाते हैं, यही लोकतंत्र की सच्ची कसौटी है। परंतु सच्चा लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है, यह मिलजुल कर रहने का तरीका है,
जिसमें लोग आपस में अपने सारे सुख दुख बांट लेते हैं। वस्तुतः यह अपने सहचरों के प्रति आदर और सम्मान की भावना व्यक्त करने का साधन है। शासन प्रणाली के स्तर पर अंबेडकर ने संसदीय लोकतंत्र को विशेष रूप से सहारा, जिसमें स्वतंत्र चर्चा के आधार पर सारे सार्वजनिक निर्णय लिए जाते हैं, इसकी तीन प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। इसकी पहली विशेषता, इसमें किसी को वंशगत शासन का अधिकार नहीं होता, बल्कि शासन की शक्तियां जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्राप्त होती हैं। इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता, इसमें कोई अकेला व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह सर्वज्ञ है तथा सारे कानून और सारा शासन संभालने में सामर्थ्यवान है। इसकी तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों, विधायकों और मंत्रियों को जनसाधारण का विश्वास करना पड़ता है और निश्चित अंतराल के बाद इस विश्वास का नवीकरण जरूरी होता है। अंबेडकर ने देश की एकता और अखंडता के हित में एकात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया है। अंबेडकर ने व्यक्ति के अधिकारों पर बल देते हुए यह तर्क दिया कि गांव को शासन की इकाई बना देने पर व्यक्ति का अस्तित्व दब जाएगा। अंबेडकर का दावा यह था कि गांव में केवल स्थानीय हित की बात सोची जा सकती है। हमारे गांव में जहालत, तंगदिली और संप्रदायवाद के अड्डे हैं। ग्राम प्रशासन के पुनरुत्थान पर विचार विनाशकारी होगा। इसलिए अंबेडकर ने विचार दिया कि संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि सामाजिक आर्थिक जीवन में विषमताएं ना हो, अर्थात समाज में ऐसा ना हो कि सारा बोझ कुछ वर्गों पर डाल दिया जाए और सारे विशेषाधिकार किसी अन्य वर्ग के हिस्से आ जाए। ऐसा भेदभाव समाज में दरार को जन्म देता है, जिससे खूनी क्रांति के बीज अंकुरित होने लगते हैं। संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुदलीय प्रणाली और प्रभावशाली विपक्ष होना जरूरी है। अंततः लोकतंत्र में अल्पमत पर बहुमत के अत्याचार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अल्पमत की सुरक्षा की भावना लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। बहुमत को सदैव अल्पमत के दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए। राजनीतिक बहुमत और सांप्रदायिक बहुमत में अंतर करते हुए अंबेडकर का कहना है कि राजनीतिक बहुमत का सदस्य राजनीतिक कार्यवाही में अपना योगदान करने को अपेक्षाकृत स्वतंत्र होता है, परंतु सांप्रदायिक बहुमत का सदस्य
केवल वही राजनीतिक कार्रवाई कर सकता है जो संप्रदाय विशेष में जन्म लेने के कारण उसके लिए निर्धारित होती है। अंबेडकर ने भारत की जाति प्रथा लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा मानी है। यहां यह संभावना है कि अल्पसंख्यक समुदाय लगातार राजनीतिक अल्पमत की स्थिति में रहे। इस तरह निम्न श्रेणी की जातियों की शक्ति के प्रयोग में अपना उपयुक्त हिस्सा कभी नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम सामाजिक जीवन में लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाते हैं तो राजनीतिक जीवन में लोकतंत्र ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। हमारा तीसरा सबटाइटल है संवैधानिक विधि की वरीयता। इसके अंतर्गत अंबेडकर ने विचार दिया कि लोकतंत्र को कायम रखने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पहली बात यह है कि हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केवल संवैधानिक विधि का सहारा लेना चाहिए। इसमें कोई ढील नहीं देनी चाहिए। अंबेडकर के अनुसार वही विधियों का चलन करना चाहिए जो संवैधानिक दायरों के अंतर्गत आते हों। दूसरी, उन्होंने बताया है कि अपनी स्वतंत्रता को महापुरुषों के चरणों में अर्पित नहीं कर देना चाहिए। कोई मनुष्य किसी के प्रति कृतज्ञता प्रस्तुत करने के लिए आत्मसम्मान को दांव पर नहीं लगा सकता है। कोई स्त्री अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपने सतीत्व को दांव पर नहीं लगा सकती और कोई राष्ट्र किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए अपनी स्वाधीनता को दांव पर नहीं लगा सकता है। अंबेडकर के अनुसार भारत में लोकतंत्र की दुर्दशा का कारण यह नहीं था कि यहां के अधिकांश मतदाता निरक्षर थे। इसका मुख्य कारण यह था कि यहां का नेतृत्व मतदाताओं को पालतू पशुओं की तरह हांकने में विश्वास करता था। उसे विधि के शासन और लोकतंत्रीय प्रक्रिया में कोई अभिरुचि नहीं थी। अंततः हमें अपने लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे सामाजिक लोकतंत्र का रूप देना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को एक जैसा महत्व दिया जाता है। हमारा चौथा और अंतिम उपशीर्षक होगा समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, अंबेडकर का मानना था कि मनुष्यों में केवल राजनीतिक समानता और कानून के समक्ष समानता स्थापित करके समानता के सिद्धांतों को पूरी तरह सार्थक नहीं किया जा सकता है। जब तक उनमें सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित नहीं की जाती तब तक उनकी समानता अधूरी होगी। भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि हम संविधान को अपनाकर हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे राजनीतिक जीवन में तो हमें समानता प्राप्त हो जाएगी, परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता बनी रहेगी। राजनीति के क्षेत्र में तो हम एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को मान्यता प्रदान कर देंगे।
परंतु हमारा सामाजिक और आर्थिक ढांचा इस ढंग से नहीं बदल जाएगा जिससे एक व्यक्ति एक मूल्य का सिद्धांत सार्थक किया जा सके, अर्थात समानता का सिद्धांत सच्चे अर्थों में तभी सार्थक होगा जब मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तीनों क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को समान नैतिक मूल्यवत्ता को साकार किया जा सके। संविधान का वर्तमान स्वरूप इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार उनके चारों जो विचार थे, उन चारों विचारों के पश्चात जब हम इनका निष्कर्ष करेंगे तो अंबेडकर का विचार सही है कि किसी भी उत्पीड़न समूह को अपने भीतर में नेतृत्व पैदा करना चाहिए, किसी अन्य समूह की सहानुभूति या नेतृत्व के सहारे उसे अपने उत्थान की आशा नहीं करनी चाहिए, परंतु जब किसी अन्य समूह से संबंध रखने वाला समाज सुधारक इस समूह के उत्थान की ओर अग्रसर हो तो उसे सदैव संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने उदाहरण के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के उत्थान के लिए जो प्रयत्न किए उन्हें निरर्थक मान कर परे नहीं रख सकते। देखना यह चाहिए कि क्या दूसरे समूह के नेता सच्चे मन से उनके लिए कुछ करना चाहते हैं या केवल उनके राजनीतिक समर्थन जुटाकर शक्ति प्राप्त करने का जुगाड़ कर रहे हैं। जो सुधारक सच्चे मन से इनका साथ देने के लिए तत्पर हो उसे उपयुक्त सम्मान देना इनका प्रमुख कर्तव्य है। इस प्रकार से हमारा विषय यहीं समाप्त होता है। हमने देखा कि किस प्रकार महात्मा ये भीमराव अंबेडकर ने अपने विचारों को प्रकट किया और उनके विचारों का मर्म यही है कि उन्होंने निम्न जाति के लोगों को उद्धार के लिए जो विचार दिए, जो मार्ग सुझाए, उसके अनुसार सामाजिक, आर्थिक और